हो गए। अच्छा एक बात बताइए, माँ बहनों को औरतों को मार खाने से बचा दे कि छोड़ दे? अरे बचा दे कि छोड़ दे, बचा दे, फिर तकलीफ हो। सुनो, आपके इलाके में क्या होता मैं नहीं जानता, मगर मैं अपने इलाके में झारखंड में देखता हूँ कि जब तक लड़कों की शादी नहीं होती, 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल का लड़का जब रहता है और बाजार जाता है, आपका बाजार का क्या नाम है जहाँ रसगुल्ला मिलता? भगवानपुर। जैसे आपके गांव का मोहल्ला का बच्चा लालपुर का जब तक शादी नहीं हुई भगवानपुर गया, दो गो रसगुल्ला लिया, दो गो आलू चोप लिया, दो गो समोसा लिया, घर आया बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, बूढ़ी माँ को दिया, बूढ़ी माँ खा ली, पानी पी ली, आंचल उठाकर दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। अब पूरा लालपुर देखता रह गया, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। लेकिन जैसे शादी हुई उस लड़के की, भगवानपुर गया, दो रसगुल्ला दो लूचो दो समोसा लिया, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, नहीं दिया, अंडरग्राउंड माल चला गया होम मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा के पास। अब बीवी भी खुश कि ठीक बेकूफ शोहर मिला है, बूढ़ी माँ को खिलाया ही नहीं, सारा माल अंदर लेकर आया है। मगर ऐ नौजवानों, मेरे जुमले को हंस के मत डाल दिया करो, मैं तुम्हें समझाने के लिए बातों को करता हूं ताकि तेरे समझ में आ जाए। जब शादी हो जाए तो रसगुल्ला मत लेना, दो लुचोप मत लेना, दो समोसा मत लेना, चार लुचोप लेना, चार समोसा लेना, चार रसगुल्ला लेना, दो दो अंडरग्राउंड भेजना, अंडरग्राउंड माल जाएगा तो बीवी खुश हो जाएगी। उलमा से पूछ लेना जाकर, जिस घर की बीवी खुश रहती है वो घर जन्नत नुमा हो जाता है। अरे बीवी को खिलाओगे तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा, अपनी बूढ़ी माँ को खिलाओगे तो तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसीलिए अपने बीवी को भी खिलाया करो, अपनी माँ को भी खिलाया करो, अपने बाप को खिलाया करो, माँ बाप खुश रहेंगे। याद रखो मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि अलाउद्दीन अहमद कादरी की दुआ एक तरफ, शायर इस्लाम रूहुदा पैगर साहब किबला सीधा मजदूर की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, आलिम की दुआ एक तरफ, खतीब की दुआ एक तरफ, नकीब की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अपनी माँ को कभी नाराज न करना मेरे दोस्त। अरे मेरी माँ बहनों, तुम्हें जो कह के जा रहा हूँ मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी की बात को याद रखना। ये लोगों बताओ, बंगाल के मुसलमानों, हम लोग मजदूरी करने जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, कोई राजमिस्त्री में गया, कोई ठेकेदारी में गया, कोई दुकान चलाने गया, कोई ठेला चलाने गया, गया कि नहीं गया? दिन भर मजदूरी करके आया, पसीना बहा के आया, शाम में घर पहुंचा तो प्यास लगी हुई है, अहलिया मोहतरमा मैडम समझ गए कि नहीं, आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में बैठी है, वहीं से आवाज दे रही, कहा बाजी बात चिल्ला रहा, तो पानी पिला दे, चुप बैठिए अभी सीरियल चल रहा है, ये बेचारा दीन का भूखा प्यासा आया है, ये सीरियल देख रही है। बेटा शरीफ शोहर था, पानी खुद पी लिया, आधा घंटा हो गया, भूख लगी है, फिर आवाज दिया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे, जो बैठिए अभी सीरियल नंबर टू, 9:30 बजे 9:45 जब हो गया, भूख तड़प से तड़पने लगा, फिर आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे, जो बैठिए अभी अभी सीरियल नंबर 3। तब तक वो आदमी का दिमाग हो गया फ्री, उठाया A to Z, नीचे से ऊपर तक सरिया के रख दिया, ए मेरी माँ बहनों, मैं किसी दुनियादार की बात करने नहीं आया हूं, मदीने के ताजदार की बात करने आया हूं, मैं किसी की बाप की बोली नहीं सुनाने जा रहा हूं, मदीने वाले रसूले पाक की बोली सुनाने जा रहा हूं। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तेरा शोहर घर आए
तो मुस्कुरा कर अपने शौहर को सलाम करो, गिलास में पानी लेकर जाओ और अपने शौहर को पानी पिलाओ, मोहब्बत के साथ बैठकर अपने शौहर को खाना खिलाओ। और जब तेरा शौहर बिस्तर पर लेट जाए तो अपने शौहर का पांव दबाओ, खिदमत करो। नबी फरमाते हैं कि जिस बीवी से जिसका शौहर खुश हो जाएगा, समझ लो उसे उसका खुदा खुश हो जाएगा। और जिस शौहर मियां बीवी जिस घर में खुश रहेगा, अल्लाह ताला उस घर में बेपनाह रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। ए मेरी माँ बहनों, अगर मार से बचना चाहती हो तो अपने शौहर को सलाम करो, हाथों से पानी पिलाओ, अपने हाथों से खाना खिलाओ, अपने शौहर की खिदमत करो। इंशाअल्लाह शौहर कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा, कभी तुम्हें मार पीट नहीं करेगा। और आप भी याद रखिए, छोटी छोटी गलती से आप भी ऐसा मत तमाचा मारिए कान के जल में कि जल से बीमारी खत्म हो जाए। अरे बीवी, नबी ने फरमाया अपनी बीवी को गाल में मत मारा करो। बीवी मारने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। माँ बाप की खिदमत करो, बीवी से प्यार करो, भाइयों को पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ। और अपने भाई को जहां डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अफसर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, वकील बनाओ, मगर पहले अपनी औलादों को मुसलमान बनाओ। सब लोग हाथ उठा के तड़प के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह जितने लोग तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया उन सबों को जिंदगी में बरकत अता फरमा। आगे वाल्मीकि ने खत्म करते कि बोले बोले कोई दिक्कत नहीं ना, तो आवाज बढ़ान बेटा, आवाज बहुत खींच रहा है। ये लोग बुरा बढ़ाने हम की कीजिए। हाँ बताइए, डेढ़ घंटा हो गया हो, हम सोचे भी कम ही टाइम हुआ, बताइए डेढ़ बज गया, मगर सुना देते तो आवाज चलते रहो। तड़प के क्या नाम बेटा, क्या नाम है, क्या नाम है, मुसी, ओ मुसू जी, हे मुसू जी, अगर तुम मशीन ठीक करेगा, तुमको दुआ देगा, तुम्हारा डबल शादी हो जाएगा। बना दो, तड़प के बोल दीजिए, अरे यार तड़प के बोल दीजिए। वाल्मीकि से मैं बात कर रहा था, वाल्मीकि जयंती के दौर बेकार मंत्र लीता मेरी नजर पड़ी, लारम्भारम्भादशम्मादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर पैर नूर होता पैगर साहब का हवाला दे या किसी आलिम का हवाला दे तो आप कहिएगा कैसे मान ले मौलाना कादरी, लारम्भारम्भादशम्मादम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे मान ले। तो मैं कहूंगा बंगाल के मुसलमानों, जबरदस्ती मत मानो, बात हक है तब मानो, बात सच है तब मानो। मैं कहूंगा बंगाल के लोगों नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास जी से पूछते हैं, हे तुलसीदास जी, अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है लालम हारम लादशम मातम, तुलसीदास जी बता दो इसका मतलब क्या होता है। तो तुलसीदास ने अयोध्या से पुकार कर कहने लगे कि मैंने बहुत पहले बता दिया है, लालम आलम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला परम परम जन्म बिमराज बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह चल गए, पढ़ लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। और तड़प के वो नारा वाला कहां गया, भाग गया, तो एक ही नारा वाला था कि दूसरा है, कोई नारा लगा सकता है मजमे से उठ के, कोई नहीं, कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, आप लोग सिर्फ खाने के लिए अल्लाह का नाम नहीं लीजिएगा मेरे बाप, नबी का नाम ले लीजिएगा, किसका नाम लीजिएगा, मेरे साथ ले लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह उसके रसूल को पुकारना चाहिए। दुनिया में हमारा आपका कोई सहारा देने वाला नहीं मेरे दोस्त, कोई सहारा देने वाला है तो मदीने का ताजदार है और हम सबका परवरदिगार है। इसीलिए नबी को याद किया करो, खुदा को याद किया करो। तो मैं क्या वाल्मीकि ने कहा,
कि जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, पाप पवित्र साफ हो गया, और पढ़ लिया मुहम्मद रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। और जब सीने में मुस्तफा का मदीना आ जाएगा तो आदमी खुद ब खुद दीवाना हो जाएगा, और जब नबी का दीवाना होगा तो ऐलान करेगा कि मैं दीवाना हूँ दीवाना, अब हौले हौले जा रहा हूँ मैं मदीना, और पूरे आप लोगों को कहते हुए जाएगा कि यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, अरे निगाहों में उनका मदीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। आप लोग घर में गांव में मिलाद करते कि नहीं, बोलो ना भाई, या नहीं मिलाद में मैं कैसे रहता कि इससे अच्छा, हकीकत बता रहे लालपुर वालों बंगाल वालों, अगर 3 दिन लगातार इस तरह माइक मिलेगा ना तो हमारा 40वां कन्फर्म है, जान आदमी नहीं ना देगा, कितनी बार बार एक ही बात में बोलूं, आपका माइक है मेरा मुंह है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसमें घुस तो नहीं सकता, तड़प कर बोल दीजिए, अरे माइक में दम नहीं आप में भी दम नहीं है, तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए, मस्ती में बोल दीजिए, अब हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, माइक आपके सामने, मेरा मुंह आपके सामने, कैसी आवाज है फैसला आप कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। आगे वाल्मीकि ने कहा, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई को बोल, ढाचा नूर मोहम्मदी, ढाचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। गुरु नानक जी से मैंने कहा कि अभी हम तो वाल्मीकि रामायण से लेकर वाल्मीकि से बस मुबाइसा में कर रहे थे, बीच में आप कहाँ कूद पड़े, तो गुरु नानक जी ने कहा मैं भी कुछ बोलूंगा, मैंने कहा जल्दी बोलिए, तो गुरु नानक बोल पड़े, बिन बिन चले सुने बिन का ना कर बिन कर्म करे बिन नाना, शकल भोगी रास्ता बड़ा जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा भोई कबूल। मैंने कहा नानक जी हम तो भी यही कह रहे हैं, हमारे जब से दुनिया कायम हुई आदम से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, हक मुसलमान जमात अहले सुन्नत के लोग यही कह रहे हैं कि पहले सबसे खुदा। आप कब बोलोगे मेरे यार, क्या कहा गुरु नानक जी ने, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल। मैंने कहा गुरु नानक जी यही तो सारे और मैं अहले सुन्नत कह रहे, सबसे पहले खुदा, फिर मुस्तफा, फिर संसार, पूरा मजमा हो जाए तैयार, तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पुरी कुल। मैं कहा गुरु नानक जी यही तो हम लोग के जिंदगी भर ऐलान कर रहे हैं, आज भी ऐलान कर रहे हैं, क़यामत तक ऐलान होता रहेगा कि पहला खुदा, फिर मुस्तफा, फिर संसार। अगर मुस्तफा आते नहीं तो एक खुदा है हम जानते कैसे, मुस्तफा आते नहीं तो हमें खाने पीने का तरीका आता कैसे, मुस्तफा आ गए तो जिंदगी जीने का तरीका आ गया। इसलिए अपने आप को बंगाल वालों संभालिए, और किसी दुनियादार की मिसाल नहीं, नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून से मिसाल दे रहा हूँ आपको पूछ करके, ये नबी की माँ कुछ नबी की बातें ऐसी बताओ ना कि पूरी उम्मत जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सके। तो नबी की माँ फरमाती है क्या बताऊँ, मेरा लाडला बेटा जैसे पैदा हुआ अपने सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी, और मेरे बेटे ने 3 लफ्ज को अर्ज किया, ए लालपुर में जीने वालों लोगों, जलसा सजाने में पैसा खर्च किया, 3 बातों को याद रखो, मेरी जिंदगी में इंकलाब पैदा हो जाएगा। बीबी आमना खातून फरमाती मेरे बेटे ने सजदे में जाकर सबसे पहली बार कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर मेरे बेटे ने सजदे में कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, कुर्बान जाओ मेरे लोगो, नबी पैदा हो रहे हैं, सर को सजदे में रख रहे हैं, खुदा को बड़ा कह रहे हैं, तमाम तारीफ खुदा के लिए कह रहे हैं, और खुदा की बड़ाई के बाद, खुदा की तारीफ के बाद
तीसरी बार हम जैसे आप जैसे गुनहगार उम्मतों को याद कर रहे नबी सजदे में, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए बंगाल के लोगों, आज की तारीख में मस्जिद के मीनार से जब अजान की आवाज सुन लो तो दुनिया का सारा काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करता फिर रहा हूं कि जितनी सारी दुनिया के मुसलमानों का सर खुदा के बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। नमाज की पाबंदी करो, गीबत से तोबा करो, झूठ से तोबा करो, सूदखोरी से तोबा करो और दुनिया वालों को बता दो कि मैं दुनियादार का मानने वाला नहीं हूं, मदीने के ताबेदार का मानने वाला हूं। चाहे रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो, या किसी हवाले से जब सड़कों में आप निकलिए जुलूस में, तो अपने नबी की सीरत को याद रखिए। काम से जाइए, ड्यूटी में जाइए, अपने नबी की सीरत को याद रखिए, नबी की सुन्नत को याद रखिए। और मेरी एक बात जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्त, भी सड़क में अगर आपको कहीं पत्थर मिल जाए, कहीं कांटा मिल जाए, कहीं ढेला मिल जाए, कहीं ईंट मिल जाए, पैदल चल रहे रुक जाइए, साइकिल से चल रहे रुक जाइए, टू व्हीलर में है गाड़ी खड़ी कर दीजिए, फोर व्हीलर में है किनारे गाड़ी खड़ी कीजिए, गाड़ी से उतर जाइए, साइकिल से उतरिए, टू व्हीलर से उतरिए, बीच रास्ते में आइए और बीच रास्ते से कांटा को उठा लीजिए, पत्थर को उठा लीजिए, ढेले को उठा लीजिए, ईंट को उठा लीजिए और उठा लेने के बाद रास्ते के किनारे जाकर रख दीजिए। ये दुनिया वाले जब देखेंगे ना तो देख कर कहेंगे, अरे यारो देखो देखो, अरे आज का मुसलमान जब ऐसा है इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है इसका गौस कैसा होगा, जब खाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा खाजा कैसा होगा। ए मुसलमानों, नबी की सीरत पे अमल करो, नबी की सुन्नत पे अमल करो, अपने आप को तैयार हो जाओ। अभी कितना दिन हुआ है कोरोना आने में, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि जो बाथरूम में था तो बाथरूम में बंद हो गया, कोई ट्रेन में था तो ट्रेन में बंद हो गया, कोई बम्बे में था सूरत दिल्ली में तो वहां बंद हो गया। ए मेरे दोस्त, अल्लाह को नाराज ना करो, दुनिया वाला कोई काम देने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम देगा तो नेकी काम देगी, अमाले सालेहा काम देगा। जो तूने दौलत कमाई है अपनी औलाद के लिए इकट्ठा मत करो, जमीन मत खरीदो, मकान मत खरीदो, दुकान मत खरीदो, बल्कि मस्जिद की तामीर हो तो उसमें हिस्सा लो, मदरसे की तामीर हो तो उसमें हिस्सा लो, और हिस्सा लेने के बाद अरे मैकमा बोली ना आवाज बढ़ा, तुमने बोले मेरे भाई ये तो पूरा आवाज खींच रहा, कितना हम बोले डेढ़ घंटा ऐसे हो गया, आवाज नहीं बचे तब ना मेरे दोस्त, तड़प के बोलिए, हम तो बोलने से इनकार कहाँ कर रहे हैं, आज हमारी जान भी चल जाएगी तो हम यहाँ लालपुर में मर के भी जाएंगे। अब मकवा तो ठीक करो भाई, अब खींच रहा है, अब अपने जान को ना देंगे, ठीक करो बेटा, तड़प के बोलिए, अरे लाल के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए, उलमा कराम बैठे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में बोलिए। ए बंगाल की मेरी बेटियों, ए बंगाल की मेरी बहनों, ए बंगाल की मेरी माओं, कान खोल के मौलाना कादरी की बात सुन लो, जब बाजार में निकलो दो पट्टे को सर पे रख के निकलो, कभी खुला सर मत निकलो, बेपर्दा मत निकलो। मैं एक तारीख तुम्हें सुनाता हूँ, बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत बीबी सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो इमाम हुसैन की प्यारी प्यारी बहन है, बचपने की आलम है, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा तिलावत कुरान पाक कर रही है, ए अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत जैनब के सर से दुपट्टा सिरक जाता है, दौड़ी दौड़ी बीबी फातिमा आती है, ए प्यारी बेटी, ए प्यारी बेटी जैनब है। बॉक्स नहीं देखे कभी आप लोग, वो अपना काम कर रहा, हमको देखो ना यार, तब के बोलिए, कुरान की तिलावत करते करते हजरत ज़ैनब का दुपट्टा सर से सिरक जाता है, हजरत बीबी फातिमा आती है, ए बेटी ज़ैनब खुले सर कुरान की तिलावत ना करो बेटी, तेरा नाना नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज की हमारी बेटियां कैसी है, आज की हमारी बहनें कैसी है, हुसैन की बहन कैसी थी, अली की बेटी कैसी थी, फातिमा की नूरे नजर बेटी कैसी थी, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दुपट्टे से सर को ढांप लेती है, कुरान
पढ़ रही है, तिलावत कर रही है, मगर आंख से आंसू का कतरा जारी है। दोबारा कुछ देर के बाद बीबी फातिमा की नजर पड़ती है। हे बेटी जैनब, क्यों रो रही हो बेटी? हे बेटी जैनब, चुप हो जा बेटी। हजरत जैनब अर्ज करती है, हे माँ, अब तू नाना नाराज नहीं होंगे ना? अब नाना नाराज नहीं होंगे ना? कयामत में नाना मुस्कुराएंगे ना? अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा जवाब देती है, हे बेटी जैनब, जो एक बार अपनी गलती से तौबा कर लेता है और जिंदगी में कलमा पढ़ने वाला दोबारा वो गुनाह और गलती नहीं करता, तो नाना राजी भी हो जाते हैं और साथ उसे जन्नत में भी लेके जाएंगे। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, जर्रात गवाह है, अजिन्ना गवाह है, फिरिश्ते गवाह है, खला फजा गवाह है कि कर्बला की वादी में सारी दुनिया वालों ने देखा कि यजीदी सर पटक पटक के जान दे दिए, मगर हुसैन की बहन ज़ैनब ने कभी पर्दा का पर्दा का दामन नहीं छोड़ा, कभी बेपर्दा नहीं हुई। ए मेरी माँ बहनों, ए बंगाल में जीने वाली मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी बाहर निकलो तो पर्दा करो, पर्दे का लिहाज करो। स्कूल जाओ तो पर्दे में, कॉलेज जाओ तो पर्दे में, शादी हो जाए ससुराल जाओ तो पर्दे में, मायके आओ तो पर्दे में, मार्केट जाओ तो पर्दे में, बाजार जाओ तो पर्दे में। और जब पर्दा पर्दे में निकलोगी तो ये दुनिया वाले कहेंगे, अरे आने वाली जो आ रही है ये किसी और की कमीज नहीं है, बीबी फातिमा जहरा की कमीज आ रही है, सैयदा ज़ैनब की कमीज आ रही है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, पर्दे का लिहाज करो। अरे मेरे सुन्नी जियालो, सब पढ़े लिखे लोग, जवान किस्म के लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये ना बिल्डिंग काम देने वाली है, ना ये दुनिया में दौलत काम देने वाली है, ना ये जायदाद काम देने वाली है, ना ये पावर काम देने वाला है, ना ये शान और शौकत काम आने वाली है। कल मैदान महशर में हमारी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है, किसी दुनियादार की औकात क्या है? आदम पुकारेंगे, ईसा पुकारेंगे, मूसा पुकारेंगे, सकरिया पुकारेंगे, यहया पुकारेंगे, कमोबेश 1,24,000 नबी पुकारेंगे। ए अल्लाह पहले मेरा बदला, ए अल्लाह पहले मेरा बदला, ए अल्लाह पहले मेरा मुझे पहले बदला। सारे लोग मैदान महशर में परेशानी के आलम में होंगे, कोई पूछने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बीवी शोहर की होगी, ना शोहर बीवी का होगा, ना पड़ोसी पड़ोसी का होगा, ना दोस्त दोस्त का होगा, ना खानदान खानदान का होगा, कोई किसी का नहीं होगा। तो मैदान मंजर में सारी परेशानी के आलम में जब होंगे तो किनारे से एक आने वाला आ रहा होगा, लंबी लंबी जुल्फे होगी, काली 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 कम काली कमली वाला वो मुस्तफा, काला कंबल अपने शाने पे रख करके आ रहा होगा। अचानक मैदाने महशर में कोहराम मचेगा, आ गया आ गया आ गया, लोग दौड़ेंगे उनके जानी, कौन आ गया? तो कोई कहेगा, गरीबों को बचाने वाला मुस्तफा आ गया, जहन्नम से दूर करने वाला मुस्तफा आ गया, हम गरीबों का मसीहा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कब्र में सहारा दे तो मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आए तो मुस्तफ़ा, मैदान महशर में काम आए तो मुस्तफ़ा। आज हम और शादी करते हैं तो लाखों रुपया झोंक देते हैं बरातियों के पीछे में, लाइटिंग के पीछे में, दहेज मांगता है लड़का का बाप लड़का, हमको हीरो होंडा चाहिए, हमको बुलेट चाहिए, हमको अल्टो चाहिए, हमको फटफटिया चाहिए। मगर ऐ सुन्नी जियालो, तुम किसी मुखिया को देख कर शादी ना करो, किसी नेता को देख कर शादी ना करो, किसी मंत्री को देख कर शादी ना करो। जब अगर मुसलमान मोमिन शादी करेगा तो अपने मुस्तफा का किरदार देखकर शादी करेगा। इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अली से कोई अच्छा लड़का नहीं, फातिमा से अच्छी दुल्हन नहीं, और निकाह पढ़ाने वाला काजी मुस्तफा से बेहतर दुनिया में कोई और नहीं। बारात चली है अली के घर से, और कौन अली? दुल्हो लड़का जो पैदा हुआ काबे में, लड़की वो दुल्हन बनी है जो पैदा हुई नबी के घर में। तड़प के तड़प के तड़प के, एक अल्लाह के घर, एक नबी के घर, एक दुल्हा बन के आ रहा है,
एक नबी के घर में दुल्हन बनी बैठी है। अल्लाह अकबर। आज हम और बाराती जाते हैं तो डीजे लेकर जाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है, हराम ही हराम, गुनाह ही गुनाह करते जाते हैं। पटाखा लड़की के गरीब के बाप से ले लिया दहेज, और उसी का पैसा उसी के गांव में जाके पटाखा उड़ा रहा, हराम गुनाह कर काम कर रहा है। देखो एक बारात निकली है नबी के घर के लिए, अली के घर से निकल रही है नबी के घर के लिए। अल्लाह अकबर। उसमें भी तो भी बाराती थे, उसमें भी तो दूल्हा था। अल्लाह अकबर। बाराती हमारे जैसे आपके जैसे लोग ना आए। बाराती अबू बकर सिद्दीक थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, हजरत जुबैर तलहा थे, हजरत अबू हुरैरा थे, दीगर सहाबी थे। आज हमारे समाज में दूल्हा आगे आगे रहता है, बाराती पीछे पीछे रहता है, मगर अली की बारात में दूल्हा पीछे पीछे है, बाराती आगे आगे है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आखिर आज दूल्हा आगे क्यों, अली दूल्हा बने थे पीछे क्यों? जवाब सुनो, कसम खुदा के ईमान ताजा हो जाएगा। आज बाराती में बारात लोग जाते हैं तो डीजे बजा कर जाते हैं, पराखा फोड़ कर जाते हैं, गुनाह हराम काम करके जाते हैं, मगर अली दूल्हा बन के पीछे है। आगे अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, तलहा, जुबैर, अबू हुरैरा, सहाबा जा रहे हैं तो सारे सहाबी के हाथ में कलाम पाक है, सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अली की बारात जा रही है। आज हमको रात को अगर जिंदगी से प्यार है, सुधरना है, तो अली की तरह हमें भी बारात जाना होगा। और जब बारात गए मौला अली तो निकाह पढ़ाया मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में। आज पंडाल में निकाह पढ़ाना बंद करो, निकाह कराओ मस्जिद में, सारी बुराई बंद हो जाएगी। इसी आपके बंगाल में कैलाश गरीब बाप की बेटियां होगी जो रात को रो के सोती होगी कि अल्लाह काश मेरे बाप को भी तू दौलत दिया होता तो मेरा बाप भी किसी लड़के को खरीद कर लाता, हीरो होंडा बुलेट देकर के मुझसे शादी करता। ए बंगाल के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल मैदान महशर में जब ये गरीब बच्चियां नबी का दामन पकड़ के अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने आपको रहमतुल्लिल आलमीन कहा, ए नबी जब पैदा हुए तो बच्चियों को गालना बंद कर दिया था, गया था अरब की वादी में, मगर या रसूल अल्लाह ये सब नारा भी लगाता था, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजर दामन नहीं छोड़ेंगे भी कहता था, और या रसूल अल्लाह मेरा बाप गरीब था, 3 लाख नगद भी मांगता था, हीरो हंडा फटफटिया भी मांगता था, मेरा बाप ना दे सका इसने निकाह न किया। ए मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ गय्यूर नौजवानों, कल मैदान महशर में जब मुस्तफा पूछ लेंगे, खुदा पूछ लेगा, क्या जवाब दोगे मेरे दोस्त? इसलिए आज उस गुनाहों से तौबा करो, आज दुनिया वालों को बता दो कि हम शादी गाड़ी के लिए नहीं करेंगे, दहेज के लिए नहीं करेंगे, हीरो होंडा के लिए नहीं करेंगे, हम शादी उस बच्ची से करेंगे जो पंजवक्ता नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली हो, देखने में भी अच्छी हो, उसकी सीरत भी अच्छी हो। इस पूरे मजमे में कोई ऐसा नौजवान है 5 जो खड़ा उठ के कह सके, हजरत हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे और फ्री निकाह पर पढ़ेंगे? कोई ऐसा 5 नौजवान है मजमे में जो अल्लाह को राजी करे, मुस्तफा को राजी करे? अरे मेरे दोस्त, हंस के मेरे जुमले को टालो, दौलत दिया है तो अल्लाह ने, ये जिंदगी दिया जो बैठे हो ना अल्लाह ने, वरना हमारी आपकी औकात नहीं है कि एक सांस भी ले सके, एक आंख की पल्ली भी उठा सके, अभी सांस बंद हो जाएगी 2 मिनट में, कोई माइक लाल नहीं बता सकता। अभी एक न्यूज मैंने पढ़ा विदेश का, एक बड़े डॉक्टर को भर्ती किया गया, ऑक्सीजन लगा उसको, और 24 घंटे के बाद जब बाहर लाया गया तो बिल आया $10,000। रोने लगा, कहा इतने पैसे वाले होकर रो क्यों रहे हैं? कहा पैसे के लिए नहीं रो रहा हूं, 24 घंटे में इसने जो मुझे सांस दिया, ऑक्सीजन दिया, उसके लिए 10,000 मांग रहा है। मेरी उम्र 66 साल हो गई, 66 साल से अल्लाह मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, मगर कभी 1 रुपया मेरे अल्लाह ने मुझसे नहीं मांगा। बता दो जवानों, अगर तेरी मेरी सांस बंद कर देगा खुदा, कोई माई का लाल तुम्हें हमें बचा नहीं सकता। अल्लाह दौलत देता है, कसम खुदा अल्लाह अगर राशि हो गया तेरे
इस खेल से इतनी दौलत देगा कि लाल फुर्किया पूरा बंगाल तेरा मोहताज हो जाएगा। पांच नौजवान को ऐसा है जो उठ के ऐलान करे कि मैं शादी करूंगा तो दहेज नहीं लूंगा। कोई पांच नौजवान, कोई पांच नौजवान पूरे मजमे में कोई ऐसा है? पांच नौजवान कोई नहीं। अरे बूढ़ा को क्यों देख रहा है? बोले तो शादी कर लिया, तुम लोग अपने बारे में सोचो। पांच लड़का ऐसा कोई है? दुआ करेंगे, मेंबर रसूल है, कसम खुदा की अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया, मदीने वाले मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो तुम्हारा यहां भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। मेरे दास जबरदस्ती किसी को मत बोलिए, किसी को जबरदस्ती खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बाप के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं, मदीने वाले रसूल पाक की मोहब्बत में बोल रहे हैं, खुदा की मर्जी के लिए बोल रहे हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों को हराम हरामकारी से तौबा की तौफीक अता फरमा। सब लोग हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। सब लोग उठाए, बाकी नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी वतूब इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। Nare Akbar!